हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेन आर्य। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान विषय की प्रश्न बैंक और उसके ब्लूप्रिंट के बारे में बात करेंगे। आपके सामने कक्षा 10 की जो है क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक को कैसे डाउनलोड करना है इसके बारे में मैंने वीडियो बना दिया है, आप चाहें तो देख सकते हैं और क्वेश्चन बैंक अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे, आपको बताएंगे कि आपका ब्लूप्रिंट किस आधार पर रहेगा और आपका पेपर कैसे आने वाला है। साथ ही आज से आपकी क्वेश्चन बैंक की वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, तो अध्याय 1 है ना, प्रश्न बैंक हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो ब्लूप्रिंट देख लीजिएगा, इसमें लिखा है, आप वीडियो को पॉज करके आसानी देख सकते हैं। आपका जो पेपर है वो 75 नंबर का आएगा, 3 घंटे का टाइम रहेगा आपके पास में। किस इकाई से कितने अंक के पूछे जाने वाले, सारी चीज़ें इसमें लिखी हैं, आप फटाफट देख सकते हैं। इकाई 1 से जो है 7, 2 से 6, 3 से 5, 4 से 6, है ना, इस प्रकार से। और ये इकाई का क्रम भी ऊपर नीचे हो गया है, सिर्फ आपको पाठ का नाम याद रखना है, क्योंकि इसमें से जो है 15-16 पाठ है, अध्याय हैं, और 2-3 अध्याय पूरी तरह हटा दिए हैं, इसलिए यहाँ पर ये जो क्रम है ना, ये अव्यवस्थित हो सकता है। आप पाठ का नाम याद कर लें और उसके आधार पर विज्ञान में देख कर जो है अपने विज्ञान में निशान लगा लें। और यहाँ पर कम किया गया पाठ्यक्रम भी है आपके लिए, ठीक है। देखो जैसे कि अध्याय 5 पूरा कम कर दिया है, 9 में से क्या कम किया है, 11 में से कुछ कम कर दिया है, 14 और 15 पूरी तरह खत्म कर दिए हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको नहीं करनी, ये रिड्यूस किया गया सिलेबस है आपका। अब बात कर ली जाए क्वेश्चन बैंक की, तो आज से आपकी क्वेश्चन बैंक भी स्टार्ट करवा रहे हैं। तो पहला अध्याय, इसके कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे पार्ट 1 में। जैसे कि आपके सामने सही विकल्प दिए गए हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया का निर्धारण होता है, कब होता है, जब उसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन। तो इसका सही उत्तर आएगा द, है ना, सारे के सारे जो है परिवर्तन उसमें होते हैं। यदि मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन किया जाए तो चमकदार श्वेत लौ उत्पन्न होती है, यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है, चूर्ण रासायनिक रूप से क्या है, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की होती है, तो कैल्शियम ऑक्साइड की जब भी जल से अभिक्रिया करवाएंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें ऊष्मा निकलेगी, तो कैल्शियम जो है ऊष्मा निकलेगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे, ओके। चौथा है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो एलपीजी का दहन एक रासायनिक परिवर्तन है या भौतिक परिवर्तन नहीं है। जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के निकलने में मोल अनुपात होगा, कितना होगा, 2:1 होगा, ठीक है। छठा क्वेश्चन है, देर तक सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर काला पड़ जाता है, क्यों पड़ जाता है भैया, तो ये हमने देखा है, विज्ञान पढ़ा है, सिल्वर क्लोराइड का क्या हो जाता है, उपचयन हो जाता है, ठीक है। आगे है सातवा क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड दूसरा रंग का हो जाता है अभिक्रिया उदाहरण है, तो किस चीज का उदाहरण है ये, तो यहाँ अभिक्रिया जो उदाहरण है विस्थापन अभिक्रिया का, ठीक है। आठवा क्वेश्चन है आपका, जिन अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें क्या कहते हैं, तो ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है। नवा क्वेश्चन, नवा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र PbNO3 होता है। दसवा क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों का कार्बन डाइऑक्साइड पानी में टूटना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो यह अभिक्रिया होती है आपकी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है, ये हो गया आपका ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया कौन सी है, तो तांबे के तार को हवा की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करना, ये एक रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। बारहवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, नहीं है, बिल्कुल आपको ध्यान देना है क्वेश्चन के ऊपर, कौन सी नहीं है, तो यहाँ पर कौन सी नहीं है, बर्फ का पिघलना एक भौतिक है ना अभिक्रिया है, रासायनिक नहीं है। तेरहवा है, सोने और प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का नाम क्या है, तो एक्वारेजिया है। चौदहवा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, तो अभिकारक कहलाते हैं। और पंद्रहवा क्वेश्चन है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण यानी जिसमें ऊष्मा निकलती है कौन सा नहीं है, तो कौन सा इसमें से नहीं आएगा, तो सबसे पहले आपका यहाँ पर हो जाएगा जल का विद्युत अपघटन नहीं है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट ऊष्मा की उपस्थिति में विभाजित होकर देता है, क्या देता है, कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सत्रहवा क्वेश्चन है, जल के विद्युत अपघटन पर मुक्त हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस प्रतिशत है, 2:1, ओके। अठारहवा क्वेश्चन है, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें कहते हैं, अभी ये क्वेश्चन एक बार रिपीट हो गया है वापस, तो उन्हें बोलते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। H2 का योग MO2 का ह्रास कहलाता है, O2 का ह्रास यानी कि ऑक्सीजन की कमी, तो क्या कहलाता है वो, ऑक्सीजन की कमी जो होती है वो अपचयन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। आगे बात करेंगे, 20वां क्वेश्चन है, Fe2O3+2Al, तो ये जो क्रिया है ये कैसी क्रिया है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो Al है यानी एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन चला गया है और Fe अलग रह गया है, तो इसको हम बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, दा वाला इसका आंसर आएगा,
तो विस्थापन अभिक्रिया हो गई है। किसी रासायनिक अभिक्रिया की पहचान क्या होती है, तो ये सभी उसमें होते हैं। ये पहले वाले क्वेश्चन का रिपीटेशन है। 22वां क्वेश्चन है, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया क्या होती है, तो कैल्शियम ऑक्साइड की जब भी जल के साथ अभिक्रिया होगी तो उसमें क्या होगा, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगी, यानी ऊष्मा निकलेगी उसमें। संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, तो क्या है संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, तो आपके सामने कैल्शियम ऑक्साइड की जल से अभिक्रिया, ठीक है। 24वां क्वेश्चन है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, तो उत्पाद कहते हैं, ठीक है। तो ये 24 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हमने कर लिए। अब कुछ खाली स्थान से हम देख सकते हैं, पॉप ध्वनि से जलने वाली गैस कौन सी होती है, तो पॉप ध्वनि से जलने वाली गैस हाइड्रोजन गैस होती है। हमारे शरीर के कोशिकीय स्तर पर भोजन का दहन क्या कहलाता है, मतलब कोशिकीय स्तर पर जो भोजन का दहन होता है, तो वो भोजन का जो दहन होता है वो कहलाता है अपचयन। क्या लिखेंगे हम इसमें, अपचयन। तीसरा क्वेश्चन है, लंबे समय तक सेवन ना करने पर सूखे मेवों के सड़ने का कारण क्या होता है, विकृत ग्रंथिता। लिखते जाइए आप, H2 का योग और O2 का ह्रास क्या कहलाता है, तो अपचयन कहलाता है। दीवारों पर सफेदी करने के 2-3 दिन बाद दीवारों पर चमक आ जाती है, ऐसा किसके कारण होता है, तो ऐसा कैल्शियम कार्बोनेट के निर्माण के कारण होता है। क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण होता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO होता है। चलिए आगे बात कर ली जाए, किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारकों को हमेशा समीकरण के किधर लिखा जाता है, अभिकारक जो होते हैं समीकरण के बाईं तरफ लिखे जाते हैं। बिना बुझे हुए चूने का सूत्र क्या होता है, तो बिना बुझे हुए चूने का सूत्र होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती है। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उन्हें वियोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। और किसी रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकात्मक निरूपण समीकरण कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती है। लोहे की वस्तुओं को संक्षारण से बचाने के लिए उस पर पेंट करते हैं। 15वें में हम लिखेंगे, अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है, तो वियोजन को। और ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाता है, उसको वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको सही जोड़ी और सत्य असत्य एक अंक वाले क्वेश्चन और 2 अंक वाले क्वेश्चन करवाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। यदि पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और इसी प्रकार की इंग्लिश और विज्ञान की वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको सारे वीडियो टाइम पर मिल जाएँ। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।